मऊ के मंच से अखिलेश यादव की दहाड़। अखिलेश यादव ने भरी हुंकार तो कांपे विरोधी। राजभर ने पहनी समाजवाद की लाल टोपी तो बीजेपी वाले हो गए बुरी तरीके से लाल। देखिए मऊ की रैली से निकले सियासी जिन्न का क्या होगा असर। मऊ की रैली से क्या क्या समीकरण साध गए अखिलेश। मऊ की रैली से अखिलेश यादव का संदेश करेगा बड़ा बदलाव। अखिलेश यादव के संदेश से क्यों बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें। मऊ के मंच से जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के साथ मिलकर हुंकार भरी है, उस हुंकार ने सत्ताधारियों के किले की दीवारें भी झन्ना दी हैं। अखिलेश यादव ने जिस रास्ते से बीजेपी ने 2017 की सियासी पारी को जीता था, उस रास्ते को ही बंद कर दिया। साथ ही मंच से पूर्वांचल में सियासी समर का यलगार जिस अंदाज में किया है, उससे अब सियासी समीकरण तो बदले ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सत्ताधारियों के साथ अन्य विरोधियों के चेहरे भी लटके दिखाई दे रहे हैं। विरोधी खेमे में मायूसी के बादल और हार का डर घर कर गया है। मऊ में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की रैली के बाद ये दावा सपा और सुभाषपा के समर्थकों का है। दरअसल मऊ में जब मंच से अखिलेश यादव बोल रहे थे तो एक के बाद एक मुद्दे पर सरकार की पोल भी खोल रहे थे और गवाह के तौर पर मंच पर मौजूद थे वो ओम प्रकाश राजभर जो कभी सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे में बीजेपी को अब डर सता रहा है कि मऊ की बम्पर रैली के बाद वो कैसे सियासी हालातों को अपने पाले में करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस पर मऊ की धरती से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। अखिलेश यादव जब रैली स्थल पर पहुंचे तो पहले चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया, फिर बाद में उन्हें सुभाषपा की पहचान पीला गमछा पहनाया गया। गजब की बात यह थी कि अखिलेश यादव ने पीला गमछा डाला तो ओम प्रकाश राजभर के परिवार ने लाल टोपी को पहना और उनके लाल टोपी पहनने से बीजेपी वालों का चेहरा गुस्से से लाल दिखा। अखिलेश यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में जिस रास्ते से बीजेपी सत्ता में आई, अब ओम प्रकाश राजभर ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। अब झूठ बोलने वाली बीजेपी के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि 2022 में जनता के भविष्य का चुनाव है। कोरोना काल में बीजेपी ने गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। गरीबों को ना तो इलाज मिला और ना खाने के लिए खाना। पूर्वांचल के लोग प्रदेश का भविष्य तय करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पूर्वांचल के लोग इतिहास बदलते हैं। 2022 में सम्मान वापस लेने का वक्त है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ओपी राजभर को बधाई देता हूं इस शानदार कार्यक्रम के लिए। जिस समय पूर्वांचल के लोग चल पड़ते हैं उस समय पता चल जाता है कि प्रदेश में क्या होने वाला है। 2022 में बीजेपी का यूपी से सफाया होगा। आज आप लोगों को यहां देखकर ये महसूस हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बाबा साहेब और लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। जब ये रैली अनाउंस नहीं हुई थी तो लोग आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। जैसे ही गठबंधन की घोषणा हुई वैसे ही उन आकलन करने वालों ने कहा कि इस गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं। ये आज का भविष्य बनाने का चुनाव है, सम्मान पाने का चुनाव है। आपके नेता बीजेपी के साथ भी रहे हैं। क्या क्या सपने बीजेपी ने दिखाए थे, क्या क्या वादे किए थे, अब बताओ झूठ बोलने वाली पार्टी कौन है। अखिलेश यादव ने आगे बोलते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पाबंदी लगाने की बात चल रही थी, वो लोग बताएं कि धुएं पर पाबंदी कब लगेगी। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाए गए थे, आज पेट्रोल की महंगाई की वजह से उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई है। जब कोरोना आया तब सरकार ने मदद नहीं की, बहुत सारे आपके सगे संबंधी दवा और हॉस्पिटल के लिए भटकते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन पर कहा कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया, वो भी पर्दे लगाकर। 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया लेकिन जब पर्दा हटा तो सिर्फ खोखला दिखा। अखिलेश यादव ने कहा कि खोखले वादे करने वालों ने प्रदेश को खोखला कर दिया, लेकिन अब वक्त बदलाव का है और फैसला आप लोगों को लेना है। सियासी जानकारों की माने तो पूर्वांचल से ही प्रदेश की सियासत के बदलाव का संकेत मिलता है। आज अखिलेश यादव और राजभर ने भी जिस अंदाज में रैली को आयोजित किया वो कई अहम संकेत देता है। जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, अगर ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हुई तो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का साफ संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ये दावा करना अतिशयोक्ति लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।